शुक्रवार को कालका स्थित राधेश्याम गौशाला में भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का आयोजन हरियाणा प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस पवन कुमारी शर्मा व कांग्रेस नेता हर्ष कुमार द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित उमेश दत्त शास्त्री ने बताया कि गौशाला में माघ के महीने के उपलक्ष्य में पवन कुमारी शर्मा व हर्ष कुमार द्वारा सर्वप्रथम भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया, तत्पश्चात हवन यज्ञ कर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गौओं को सवामणि चारा भी डाला गया। पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि गौ माता में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गौ सेवा से बढ़कर जीवन में कोई पुण्य नहीं हो सकता, इसलिए गौशाला में हवन यज्ञ में पूर्ण आहुतियाँ डालते हुए सभी क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। उन्होंने कहा कि गौ माता से प्रार्थना की गई कि क्षेत्रवासियों के सभी कष्टों को हर, सबके जीवन को निहाल करे। आज माघ के महीने के अंदर हमारे क्षेत्र की कांग्रेस की नेत्री श्री पवन कुमारी जी ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए राधे श्याम गौशाला में रुद्राभिषेक और गायों के लिए सवमणि और भंडारे का आयोजन किया, जिससे है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए और यहाँ पे सुख समृद्धि रहे। क्या क्या यहाँ पर किया गया? यहाँ पे पवन कुमारी जी ने सवमणि, गायों को सवमणि डाली है और अटूट भंडारे का आयोजन किया है।